हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिकल गुरु, एंड मैं हूं आपका दोस्त अल्पगेश। और आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के बारे में। हमने पिछले बार थोड़े बेसिक सिलेक्शन सीखे थे और अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ मेजर सिलेक्शन टूल्स जिसका नाम है क्विक सिलेक्शंस और मैजिक वैंड टूल्स। और मैं आपको कलर रेंज के बारे में बताऊंगा। और आप मेरी पहले भी दो वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ बेसिक फोटोशॉप के बारे में बताया था, तो आप वो देख लेंगे तो आपकी और भी हेल्प होगी। तो चलिए इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्विक नॉर्मल सिलेक्शंस कैसे करते हैं हम लोग, लासो टूल, पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक, इनसे आपको मैंने सिलेक्शन करना बताया था। ये थे हमारे बेसिक टूल्स। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडवांस सिलेक्शंस टूल्स कौन से होते हैं, जिसमें आता है क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैंड और कलर सिलेक्शन टूल। आज मैं इनके बारे में आपको बताऊँगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फाइल में न्यू कैनवास, कस्टम कर दिया हमने इसको 1920/1080, और ये हमारे सामने खुल गया है एक कैनवास। तो यहाँ से मैंने एक सेलिब्रिटी की इमेज कोई भी डाउनलोड कर ली है फिलहाल के लिए। तो याद रखिए कि आप यहाँ से नॉन लाइसेंस, यहाँ पे ये वाला यूज़ करिए, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज फिर मॉडिफिकेशन, क्योंकि कोई आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं सेल्फ, अगर आप उसको सेल करना है तो, ताकि दूसरों का कंटेंट आप उसमें यूज़ ना करें। और इधर जाके टूल में जाके साइज़ में जाइए, लार्ज कर दीजिए इधर, तो इवन आपका यहाँ पे लार्ज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अभी शुरू करने वाला हूँ सिलेक्शंस, ड्रैग करके लाएंगे फ़ोटो और यहाँ पे आप मेन्यू में इसको रख लेंगे, मेन्यू बार के नीचे। तो यहाँ से आपकी लेयर में ये वाली लेयर आ गई है, इसको लॉक हटा दीजिए। तो गाइज़ ये हमारे पास आ गई है एक फ़ोटो, और अभी मुझे इसका करना है सिलेक्शन। तो गाइज़ ये है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। पहले हम लोग ऐसे लैसो टूल से पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बना रहे थे, ऐसे करके हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे, शिफ्ट दबा के हम लोग प्लस ऐड कर रहे थे, राइट। तो इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत लैसो यूज़ होएगा, लेकिन इससे हमारे पास फास्ट टूल आया है, क्विक सिलेक्शन टूल। गाइज़ ये देखिए, इधर बस आपको ड्रैग करना है इसको क्लिक करके, और ये अपने आप ही सेलेक्ट करने लग जाता है। तो गाइज़ ये देखिए हमारा पास क्विक सिलेक्शन टूल कितना जल्दी काम कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कुछ डिटेलिंग हमारी छूट गई हैं, तो इसको मैं शिफ्ट दबा के अब लैसो से थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा कि फाइनल डिटेलिंग हमें कैसे करनी है। गाइज़ ये हमारे पास और कहाँ कहाँ पे छूटी हुई है, हो गया। तो गाइज़ ये हमारे पास फाइनल टचअप आ गया है इसका सिलेक्शन का। ये थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग है, आप इसको अच्छी तरह डिटेलिंग से कंप्लीट करें, और इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब याद रखिए, आप यहाँ से ऐसे नॉर्मल जाएंगे कंट्रोल जे, अगर मैं इसके नीचे कंट्रोल जे से आप इसको ऊपर रख लेंगे तो ये कटआउट एक हमें मिल जाता है। तो गाइज़ आपको ये देखना है कि आपका कटआउट प्रॉपर है या नहीं है, तो आप इसके नीचे ब्लैक लेयर लगा दीजिए। तो ब्लैक लेयर लगा दें तो आप इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिलेक्शन डिटेल्ड है या फाइन, कितनी मतलब अच्छी है या नहीं है। तो गाइज आप देखिएगा, इसमें आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी रफ हो रही है, राइट। तो आपको तो स्मूथ सिलेक्शन चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से ये वाली हमारी सिलेक्शन थी, फिलहाल मैं इसको लेयर को बंद कर देता हूँ। ये वाली भी लेयर मैंने बंद कर दी है। तो अब आप क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली लेयर है इसमें जाइए, कोई भी आप सिलेक्शन टूल में जाएंगे, इधर एक रिफाइन एज का ऑप्शन आता है। रिफाइन एज में आपको यहाँ पे जाके, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी ब्लैक पे है, तो ब्लैक पे आपको कर लेना है, जिससे आपको सिलेक्शन समझ में आ जाएगी। अगर आपको ब्लैक से कट आउट करो तो वाइट में कर लेना है, तो इनसे आपको सिलेक्शन समझ में आ जाएगी कि आपका कटिंग रियल स्मूथ लग रही है नहीं लग रही। तो गाइज आप इसमें जाइए, ऑन ब्लैक पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या करना है, रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है, और आप देख सकते हैं सेटिंग में यूज़ करके अब बहुत अच्छा है ये रिफाइनेज। और आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गए हैं, अच्छे से सिलेक्शन हो गए हैं इसके। तो जाइए ओके करिए, और ओके कंट्रोल जे दबाइए, आप इसका मेरे को कटआउट मिल गया है, और ये मैं नीचे लेयर यहाँ पर रख लूँगा यहाँ पर। और अब आप देखिएगा पहले सिलेक्शन क्या थी और अब क्या है, पहले की और अभी की, ये देखिए गाइस कंपैरिजन। तो इसमें रिफाइन एच का काम बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो सिलेक्शन है वो स्मूथ बन जाता है।
तो गाइज ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल हो गया, इसे जल्दी जल्दी आप एक पर्टिकुलर पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैजिक वैंड टूल। अब इसमें मैं मैजिक वैंड टूल लूंगा। मैजिक वैंड टूल से अगर मुझे कोई सपोज करो कि पर्टिकुलर एक जैसे सेलेक्ट करना है, लाइक जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल को, क्विक सिलेक्शन टूल को, तब ये ऐसे पूरा सेलेक्ट होता है राइट। और लेकिन एक पर्टिकुलर कलर के पिक्सल सेलेक्ट करना, जैसे ये वाला मैंने किया, एक बार में सारे सेलेक्ट हो गए और फिर शिफ्ट दबा के मैंने ये वाले सेलेक्ट किए, ये वाले, तो इसमें ऐड होते हुए जा रहे हैं गाइज। तो याद रखिए आप, ये है मैजिक वैंड टूल और ये वाला है क्विक सिलेक्शन। तो गाइज मैजिक वैंड एक पर्टिकुलर पूरे कलर के एरिया को सेलेक्ट कर लेता है, और वही क्विक सिलेक्शन टूल जल्दी सेलेक्ट करता है हमारे कर्सर के हिसाब से जहाँ जहाँ हम उसको ड्रैग कर रहे हैं। तो गाइज मैं अब आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मैंने इतना फेस कट करना है मुझे, और मैंने फेस इसको सेलेक्ट कर लिया है, फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसका। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सेलेक्ट कर लिया है, और अंदर के एरिया के लिए मैं एक बार लैसो टूल से कर लूँगा। ओके गाइज, तो इतना मुझे कटआउट करना है। तो आप देखिएगा कि मैंने एक सेलेक्शन अभी कर ली है। कलर रेंज से सेलेक्ट कैसे करना है हमें, तो गाइज अब आप इसमें देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसमें आप कलर रेंज से कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं ये वाली पिक है एक बर्ड, तो गाइज सेलेक्ट इधर जाइए, सेलेक्ट में जाके इधर कलर रेंज गाइज है, कलर रेंज आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब देखिए, अब इसमें कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अच्छी तरीके से, और जिसमें ओके दबाऊँगा, तो गाइज ये देखिए आप इसमें कि ये एक ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है वो उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइज इसमें ऐसे कलर रेंज के थ्रू हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मुझे इसको याद रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमने सिलेक्शन क्या बनाई थी और हमें पता नहीं रहता, तो हम फिर इसको बाद में, जैसे यहाँ पे मैं एक सेव सिलेक्शन कर लूँगा, तो गाइज इसका नाम डाल दीजिएगा, जैसे बर्ड सिलेक्शन, जैसे हम कोई हार्ड सिलेक्शन जब कर लेते हैं तब ऐसा करते हैं। आप पूरा देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको, बर्ड सिलेक्शन मैंने इसमें नाम रख लिया है। और अब सपोज करो गाइज ये फॉरगेट हो गई मुझसे, जैसे कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन दब गया मुझसे, या कुछ और हो गया, या सिलेक्शन चली गई, तो हमें दोबारा लोड करनी है। तो गाइज ये वापस से जाइए, आप सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन कर लीजिए, और लोड में जाके इधर हमने, आप देखेंगे हमने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है बर्ड सिलेक्शन, तो इसको ओके करेंगे तो वापस से गाइज ये आ जाएगी। तो ऐसे आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं गाइज उसको, और अभी आप इसको कंट्रोल जे ऐसे कुछ भी, आप इसका पीएनजी कट आउट कर लीजिए। तो गाइज चलिए, ये मैंने एक टेम्पल यहाँ से ले लिया है, जो सबसे रिफाइन सिलेक्शन हमारे लिए करता है। बाकी सब टूल भी करते हैं अच्छे से, बट मैक्सिमम लोग परफेक्ट सिलेक्शन के लिए पेन टूल यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा गाइज। पेन टूल शेप बनाने के भी काम आता है और सिलेक्शन करने में काम आता है, तो सिलेक्शन भी इससे अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह होती है, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो पेन टूल से जानिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लिक लगाया, और यहाँ पे गाइज आप थोड़ा सा ड्रैग करके कर्व बना दीजिए, और बीच में ऑल्ट दबा दीजिए, जिस यहाँ पे एक कट है गाइज। अब देखो ये यहाँ पे टेंजेंट है, मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे कर्व बनाना है, वरना ये ऐसा करके कर्व लग जाएगा। तो गाइज इसको करने के लिए ऑल्ट यहाँ पे दबाइए, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से आप दोबारा से बना सकते हैं। गाइज याद रखिए, इसका जब पाथ बन जाएगा आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर, और आप राइट क्लिक करके यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास पाथ था, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे, अगर आपका जैसे पेन टूल सिलेक्टेड है और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेक सिलेक्शन भी आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर भी दबा सकते हैं, दोनों वैसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट आप शॉर्टकट से करिए तो जल्दी फास्ट आप अच्छी तरह काम करेंगे। मैं सिलेक्शन टूल पे गया और देख लूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा, अब आप देख रहे हैं गाइस वाइट वाइट एजेस आ रही हैं, तो थोड़ा सा हमें वाइट एजेस को क्लियर करने के लिए रिफाइनेस थोड़ा सा हमने किया है यहाँ पे, और इसको हमने ऐसे कर लिया है यहाँ पे, और रेडियस थोड़ा सा इसमें हमने बढ़ा दिया। तो राइट गाइस, सारी की सारी हमारी अच्छे से सिलेक्शन कटिंग हो गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक परफेक्ट सिलेक्शन फॉर कट, और आप इससे मैन्युअली इसको ठीक कर सकते हैं दोबारा रिफाइनेंस की सेटिंग से, और परफेक्टली आपका इससे कटआउट हो जाएगा। थैंक यू गाइज इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, आपके लिए काफी यूजफुल है, और जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ग्राफिकल गुरु, अगर पसंद आया तो लाइक करिए।